दोस्तों, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में सफलता जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव, का फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग हेडिंग डालेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप हमारे साथ लिखना स्टार्ट करिए। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लोग कैपिटल लैम्डा ई क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने स्मॉल लैम्डा से भी कुछ लोग कर लेते हैं, स्मॉल लैम्डा ई क्यू से भी कर लेते हैं, तो आप चाहें इससे करिए या स्मॉल लैम्डा, ये कैपिटल लैम्डा है, ठीक है ना। इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, लिखना स्टार्ट करिए। इट इज डिफाइंड एज अ कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन हैविंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट, 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज अ कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन हैविंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल सी डेफिनेशन है कि कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस, सभी आयंस जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट, सभी आयंस की जो कंडक्टिंग पावर होती है वो क्या रखती है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेके चलेंगे, और मोलर कंडक्टिविटी में 1 मोल ऑफ इक्विवेलेंट, 1 मोल सबस्टेंस लेके चलेंगे, या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने देखा क्या है इसका मतलब, उसको डिटेल में समझिए। जैसे मैंने क्या करा, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम VML ले लिया। तो कंसीडर वॉल्यूम VML, कंसीडर वॉल्यूम VML ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेन 1 ml इक्विवेलेंट सबस्टेंस डिजॉल्व इन इट। मैंने क्या कंसीडर किया, वी वॉल्यूम को वी लिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम वी है जिसके अंदर कंटेन हो रहा है एक सबस्टेंस का, कितना इक्विवेलेंट 1 ml, जो वॉल्यूम लिया है सबस्टेंस का वो 1 ml इक्विवेलेंट सबस्टेंस को VML में डिजोल्व किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना VML, और सबस्टेंस जो लिया जा रहा है उसके अंदर वो कितना इक्विवेलेंट है 1 ml इक्विवेलेंट सबस्टेंस डिजोल्व इन इट, बिकॉज कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml सॉल्यूशन इज कप्पा। इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं कंडक्टिविटी के बारे में, इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, क्योंकि कंडक्टिविटी 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को हम लोग लेके चल रहे हैं कप्पा, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, देयरफॉर टोटल कंडक्टिविटी ऑफ VML सॉल्यूशन, पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे, देयरफॉर
टोटल कंडक्टिविटी, जिन बच्चों ने कंडक्टिविटी वाला लेक्चर नहीं देखा पहले उसको देखें, कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml, देयरफोर टोटल कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml कितना लेना, सॉरी हमने 1 ml को कप्पा लिया तो VML का, VML सॉल्यूशन विल वी, फिर समझ लें एक बार, थोड़ा सा लैंग्वेज को समझने वाली चीज है। यहाँ पे मैंने कंटेनर में वॉल्यूम VML सॉल्यूशन का लिया है, जिसमें क्या कंटेन कर रहे हैं हम लोग, 1 ml इक्विवेलेंट सबस्टेंस को डिसॉल्व कराया गया है, क्योंकि कंडक्टिविटी जो 1 ml सॉल्यूशन की है उसको क्या एज्यूम किया है, कप्पा, तो टोटल कंडक्टिविटी VML की कितनी होगी, जबकि 1 ml की कप्पा है तो VML की V into कप्पा, सिंपल है। तो देयरफोर क्या होगा, टोटल कंडक्टिविटी लैम्डा EQ क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, इन ml। ये कुछ लोग यहां पे इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, उस चीज को ध्यान दें आप, यहां पे कप्पा इंटू वॉल्यूम को VEQ लिख देते हैं, मतलब ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के दौरान लिया गया वॉल्यूम है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें, इसको डाल लें फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें एक बार फिर से देख लें क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन हैविंग 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने बोला कंडक्टिंग पावर, सभी आयन्स जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट, सभी आयन्स की जो कंडक्टिंग पावर है क्या रख रही है, वो 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट। अगर यहां पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की जगह मोलर कंडक्टिविटी आएगा तो 1 mole लिया जाएगा यहां पे 1 ग्राम की जगह। ध्यान रखना, जिसने ये समझ लिया वो मोलर कंडक्टिविटी को बहुत आसानी समझ सकता है। जल्दी से, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयन्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन हैविंग 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट। फिर मैंने क्या कहा, कंसिडर VML ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम VML लिया, कंटेन 1 ml इक्विवेलेंट सबस्टेंस, जो सबस्टेंस लिया वो 1 ml लिया VML के अंदर डिसॉल्व कराया, बिकॉज कंडक्टिंग कंडक्टिविटी जो होती है 1 ml सॉल्यूशन की वो क्या एज्यूम कर ली, कप्पा। तो बताओ जब 1 ml की कंडक्टिविटी कप्पा है तो टोटल वॉल्यूम कितना हमारे पास, VML। तो वॉल्यूम जो टोटल है उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ टोटल वॉल्यूम V इक्वल कप्पा इंटू V। जब 1 ml के लिए कप्पा है तो K कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कप्पा से। तो 1 ml के लिए अगर कप्पा है तो VML के लिए आप जानते हैं यूनिटरी मेथड से आप लगा सकते हैं, 1 ml इक्वल कप्पा कंडक्टिविटी, या कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml सॉल्यूशन इक्वल कप्पा, देयरफॉर कंडक्टिविटी ऑफ VML सॉल्यूशन इक्वल कप्पा इंटू V। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ml में ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में यहाँ पे इक्विवेलेंट साइन बना दिया था, मतलब इक्विवेलेंट सबस्टेंस का ये वॉल्यूम लिया गया है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम। तो इस चीज को आप ध्यान दें एक बार। और अब मैं बात कर रहा हूं कि जो फॉर्मूला आपकी बुक्स में लिखा होता है वो क्या करता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल कप्पा इंटू 1000/C या 1000/N आता, कैपिटल N नॉर्मलिटी। तो वो कहां से आता, उसको भी हम लोग ड्राइव करते हुए ला रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं इस चीज को, तो अपने को डायरेक्ट नहीं पढ़ना है, कहां से आया वो भी समझ लें। अब मैंने क्या मान ला, सिंस वी नो दैट, जो आप जानते हैं नॉन इक्विवेलेंट वर्ड आपने कहां सुना था, किस कंसंट्रेशन टर्म्स में सुना था, नॉर्मलिटी में। नॉर्मलिटी क्या होती थी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो वहीं से हम बोल रहे हैं वी नो दैट, वी गेट क्या जानते हैं हम लोग, नॉर्मलिटी इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मैं इसको लिखना चाहूं तो नॉर्मलिटी इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम सॉल्ट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, अगर स्मॉल n केवल रखा तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, जो मोलरिटी में यूज होता था। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और यहां पे ml में अगर लेके चलूं, कि मैंने कंसीडर जो टोटल वॉल्यूम किया वो किसमें किया, VML में, तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ml की चीज अगर वॉल्यूम्स ml में दिया है, वॉल्यूम अगर ml में दिया है तो मुझे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो 1000 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, ठीक है ना। और जिन बच्चों को ये चीज और क्लियर करनी, वो कंसंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन के अंदर मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाए थे उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, ठीक। अब बात आई यहां पे कि इस फॉर्मूले को हम लोग देखें, अब यहां से मेरे को क्या, यहां पे बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml को अलग कर ले रहा हूं मैं, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml को अगर मैं अलग करना चाहूं, तो यहां से हमें बताइए आप
कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अब मुझे बताइए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप कितना लेके चल रहे हैं, हैविंग 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो 1 ग्राम, तो यहां पे ये हो गया क्या 1 × 1000, और वॉल्यूम अगर इधर गया यहां पे तो नॉर्मलिटी कहां आएगी, वॉल्यूम की प्लेस पे, तो यहां पे क्या आ जाएगा नॉर्मलिटी। तो यहां से हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml क्या निकल के आया अपने पास 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। अब एक चीज और बताइए, ये सेकंड हो गया अपने पास, एक चीज और बताइए क्या मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब आप चाहते थे तो वॉल्यूम को यहां पे इक्यू लेके चलते, अगर इक्विवेलेंट के लिए लेके चलते तो वो चीज एक ही है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1000 अपॉन सी। अब बच्चे के दिमाग में आया होगा कि एन की जगह सी क्यों लिखा, सिंस वी नो दैट कि नॉर्मलिटी इज अ कंसंट्रेशन टर्म्स, नॉर्मलिटी जो होता है वो एक कंसंट्रेशन टर्म्स है, कंसंट्रेशन टर्म, तो कंसंट्रेशन टर्म है, तो सिंपल सी चीज है कि हम यहां पे नॉर्मलिटी को क्या कंसीडर कर सकते हैं, कंसंट्रेशन सी। कोई भी कंसंट्रेशन टर्म है उसको हम सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलैरिटी होती वो भी सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी क्या है, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सभी क्या है कंसंट्रेशन टर्म्स है, तो उनकी जगह प्लेस पर हम सी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है यहां से। अब इसको देखें, हमने इस फॉर्मूले को पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, या मैं ऐसे लिख सकता हूं सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को अगर हम देखें तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, लैम्डा इक्यू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल कप्पा इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml की वैल्यू क्या आ रही 1000 अपॉन n। इसका मतलब ये सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास लैम्डा इक्यू क्या बन गया कप्पा, कप्पा में मैंने आपको बताया था के कैसे बनाई जाती है, ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी रखना इसको, कप्पा में इस तरीके से आप रखना, और यहाँ पे 1000 और टोटल में अपॉन में डिवाइड में क्या है नॉर्मलिटी। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट बुक्स में दिया जाता है, किसी किसी बुक्स में डायरेक्ट दिया जाता है, और इस पर डिपेंडेंट बोर्ड में क्वेश्चन भी आए हुए हैं, आपको कंडक्टिविटी, आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपसे पूछ लिया जाएगा और आपको कंडक्टिविटी दे दी जाएगी, कंसंट्रेशन दे दिया जाएगा वैल्यू, और हो सकता है कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी के टर्म्स में ना दिखे, तो आपको नॉर्मलिटी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। तो ये भी फॉर्मूला हमें बुक में नजर आ जाता है, तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं, पर एक्चुअल में कहां से आते हैं इस चीज को समझा, जल्दी से देखें एक बार फिर से। इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी क्या होता, तो आपको केवल बताना है इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन हैविंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सभी आयन जो सॉल्यूशन प्रेजेंट हैं, सभी आयन्स की कंडक्टिंग पावर जो होती है उसमें क्या कंटेन करके चलते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयन्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन हैविंग 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से हमने इसमें अब VML सॉल्यूशन लिया, VML सॉल्यूशन में हमने क्या बोला कि VML सॉल्यूशन के अंदर कंटेन किया अगर 1 ml इक्विवेलेंट सबस्टेंस, तो इसको डिजोल्व कराया क्योंकि 1 ml जो वॉल्यूम है, 1 ml सबस्टेंस का जो इक्विवेलेंट वेट वो इक्विवेलेंट सबस्टेंस लिया गया, इसको VML सॉल्यूशन में डिजोल्व करा रहे हैं, तो कंडक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml सॉल्यूशन को हमने क्या मान लिया, 1 ml सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी कप्पा माना है, तो बताओ टोटल वॉल्यूम कितना है VML, तो VML के लिए क्या हो जाए कप्पा इंटू वी। और यहां से फिर मैंने नॉर्मलिटी फॉर्मूले से ये बताया आपको कि नॉर्मलिटी फॉर्मूले से हम ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। अब यहां पे एक छोटी सी बात और आ जाती है, यूनिट, अगर मैं यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करूं तो बताइए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट कैसे निकलेगी, तो यहां पे क्या दे रहा है कंडक्टिविटी की यूनिट, तो आप जानते हैं हम लोग पढ़ के आए कि कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो कंडक्टिविटी क्या कहती है, कंडक्टिविटी कहती है अपने आप को, ये मेरे पास क्या है कप्पा, कप्पा हमारे पास यहां पे देखें कंडक्टिविटी में क्या होता 1/ρ, कंडक्टिविटी का मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस अलग था 1/r, कंडक्टिविटी में स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या लिया था रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी,
ठीक है। तो यहां पे हमें पता रेजिस्टिविटी की क्या होती थी, ओम सेंटीमीटर, तो ये ऊपर जाके क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब मैंने सेंटीमीटर में क्यों लिया, सर आपने वहां पे मीटर में लिखाया था, एमकेएस में था मीटर में ले लिया था, सीजीएस में होगा सेंटीमीटर में लिया, पर यहां पे सेंटी कैसे पता चला सेंटीमीटर में है? तो दिमाग लगाओ कि सिंस वी ऑल्सो नो दैट 1000 ml जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1000 cm³ के इक्वल होता है, अपने को पता, अगर नहीं पता है तो ध्यान रख लेना यार इस चीज को कि हम बता दे रहे हैं आपको, 1 लीटर जो होता है वो होता है 1000 ml के इक्वल, और ये 1 dm³ के इक्वल होता है। ये वॉल्यूम का रिलेशन हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, इसलिए कहते हैं हर क्लास की चीज कहीं ना कहीं काम में आ जाती है। अगर 1000 ml इक्वल 1000 cm³ है तो आप मुझे बताइए 1 ml इक्वल 1 cm³ हो जाएगा, तो ml के प्लेस पे हम लोग क्या लिख के चल रहे हैं, cm³, ठीक है, cm³। तो आप मुझे बताइए यहां पे मैंने सेंटीमीटर में मीटर में, यहां पे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आपके पास आ गया। अब मुझे आप एक चीज बताइए यहां पे कि यूनिट अगर निकालनी तो कप्पा की यूनिट क्या आई है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस होता है। बात आई कंसंट्रेशन या नॉर्मलिटी, कंसंट्रेशन भी कौन सा है, नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी क्या कहती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब इक्विवेलेंट लिया जाता है, जैसे नंबर ऑफ मोल का मोल लिया जाता है, वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का इक्विवेलेंट लिया जाता है। ध्यान रखना नॉर्मलिटी से देख रहा हूं, और नॉर्मलिटी कहती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किस में आएगा, इक्विवेलेंट में। अगर नंबर ऑफ मोल्स होता था मोलैरिटी में तो किस में आता था, मोल में। तो यहां नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। बात समझे कि नहीं समझे, 1000 यूनिटलेस है तो नॉर्मलिटी की और कप्पा की होगी, 1000 का कुछ नहीं। अब यहां पे हमने इसको देखा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इक्विवेलेंट ऊपर सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा, ये चीज कहां पहुंचेगी, यहां पे, और यहां पे इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा तो -1। तो यहां से क्या आया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, +3 -1 +2 इक्विवेलेंट -1। दिस इज द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब कुछ बच्चे इसको क्या, ओम इनवर्स को हम लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं, अगर मैं ओम इनवर्स की बात करूं तो हम लोग यहां पे जानते हैं कि एक ओम इनवर्स जो होता है वो 1 siemens के बराबर होता है। सीमेंस को हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, इसकी यूनिट एक क्या होती थी, ओम इनवर्स या MHO या सीमेंस। तो यहां पे आपके पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं यहां पे देख लें, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट -1। चाहे ये यूनिट यूज कर लो चाहे ये यूनिट यूज कर लो, ओम इनवर्स की प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, सीमेंस का S। तो आपने क्या देखा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन हैविंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट। VML सॉल्यूशन को कंटेन किया, VML सॉल्यूशन में टोटल वॉल्यूम VML है जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट आप सबस्टेंस को डिजोल्व करा रहे हैं, क्योंकि 1 ml की जो कंडक्टिविटी ली है वो कप्पा ली है, तो टोटल वॉल्यूम V की कितनी हो जाएगी, V इंटू कप्पा, तो मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ गया कप्पा इंटू V सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन ml में लिया तो वॉल्यूम सॉल्यूशन, यहाँ पे नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में देखा ये आ गया, इसकी वैल्यू को हमने क्या किया फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दिया, नॉर्मलिटी कंसंट्रेशन टर्म्स है तो C से भी लिख सकते हैं। यूनिट निकाली तो यूनिट यहाँ से निकाली, कप्पा की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों सेंटीमीटर में ले रहे, क्योंकि वॉल्यूम ml में लिया तो 1000 ml, अगर 1000 cm³ के इक्वल होता तो 1 ml 1 cm³ के इक्वल होगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम को ले लिया हमने सेंटीमीटर की वजह सेंटीमीटर क्यूब में, और नॉर्मलिटी क्या होती है इक्विवेलेंट अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम यहां पे देखेंगे, यहां पे ml में है, ml वाले को देख रहे हैं कि 1000 वाले फॉर्मूले को देख रहे हैं, तो ml की जगह पे हम सेंटीमीटर क्यूब लिया, तो इक्विवेलेंट अपॉन सेंटीमीटर क्यूब किसकी है, यूनिट, ये नॉर्मलिटी की यूनिट है, और ये किसकी है कप्पा की, 1000 की यूनिट लेस है, नंबर है एक, तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाके ये आ जाएगा, ओम इनवर्स को हमने क्या लिख लिया, सीमेन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, अगर एक बार फिर से आप देख सकते हैं रिवाइंड करके, आप इसको एक बार देख लें, मैं रफ करने जा रहा हूं। क्लियर, चलिए मैं रफ कर रहा हूं इस चीज को। अब हम लोग यहां पे पढ़ने जा रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी, क्या पढ़ने जा रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, और मोलर कंडक्टिविटी है तो यहां पे क्या आएगा m, यहां भी क्या लिख सकते हैं कैपिटल लैम्डा या स्मॉल लैम्डा जो आप लेके चलें, ठीक है m। अब मोलर कंडक्टिविटी है तो आप स्मॉल m नहीं कैपिटल m रखिए, लैम्डा m,
ठीक है, तो लैम्डा एम है यहाँ पे। अब कुछ लोग इसको स्मॉल एम ऐसे भी लिख लेते हैं तो कोई गलती नहीं है यार, ठीक है। मैं मोलरिटी को, मोलर कंसंट्रेशन में मोलरिटी को एपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहा था, आप चाहे स्मॉल एम से कर लें, आपकी जैसे ही आप जरूरत समझें वैसे आप कर लें, ठीक है ना। मैं इन दोनों को रिप्रेजेंटेशन में दिखा दे रहा हूँ, जैसे वहां इक्यू लिखा था यहाँ पे एम लिख दिया, इससे पता चल जाएगा वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहा था, यहाँ मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहा था। मैंने रफ क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे पास तो, अब आपको ऐसा नहीं करना जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप ना करना, आपको नए तरीके से करना। मैं केवल इतना बता रहा हूं, एक तैयार है दूसरा कैसे तैयार हो जाएगा अपने आप। तो यहां से देखें, मैंने क्या बताया आपको, जहां पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया वहां पे 1 मोल ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट नहीं लेना है, यहां पे क्या लेके चलना हैविंग 1 मोल, हैविंग 1 मोल, इस चीज को ध्यान रखें, हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपने यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया तो आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे आपको जो लेके चलना है ये चीज़ वही लेके चलना है, पूरी वही लेके चलना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यही लेके चलना है। अगर यहाँ पे 1 मोल की बात आई तो यहाँ पे मैं किसको लेके चल रहा हूँ, मोलर कंडक्टिविटी को, तो मोलर कंडक्टिविटी की वजह से यहाँ पे क्या आएगा इस एम, यहाँ भी क्या आ जाएगा एम, यहाँ भी क्या आ जाएगा एम, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी की वजह से मैं मोलरिटी लेके चलूंगा, मोलरिटी लेके चलूंगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के प्लेस पे क्या आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे लेके चलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यही चीज चलेगी पूरी नॉर्मलिटी की जगह पे क्या आ जाएगा मोलरिटी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इधर गया, यहाँ पे क्या आ गया मोलरिटी, और नंबर ऑफ मोल्स को हमने किस क्या लेके चले, कितना नंबर ऑफ मोल्स लेके चले, 1 मोल, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेके चले, तो यहाँ पे भी यही चीज चलेगी पूरी, यही चीज चलेगी, मोलरिटी यहाँ चलेगा, मोलरिटी ये कंसंट्रेशन टर्म्स है, जहाँ नॉर्मलिटी है वहां पे क्या आ जाएगा मोलरिटी आ जाएगी, मोलरिटी, तो मोलरिटी कंसंट्रेशन टर्म्स है, इसको मोलरिटी को हम सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वही चीज चलेगी पूरी। यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे, पहले इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ मोलर कंडक्टिविटी का साइन है, यहाँ पे नॉर्मलिटी जगह पे मोलरिटी टर्म लिया है, यहाँ भी मोलरिटी हो जाएगा, मोलरिटी कंसंट्रेशन यही सेम रहेगा, यहाँ पे एम से रिप्रेजेंट कर देंगे, ई की वी जगह पे एम से रिप्रेजेंट कर देंगे, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मोल आ जाएगा यूनिट में, कंसंट्रेशन में क्या आ जाएगा मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, और जहाँ पे इक्विवेलेंट इन्वर्स आया वहाँ पे मोल इन्वर्स आ जाएगा, मोल इन्वर्स, ठीक है, यहाँ भी क्या आ जाएगा मोल इन्वर्स, और यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका मोल इन्वर्स, मतलब एक क्लियर है तो देखो दूसरा अपने आप हम लोगों ने कितने आसानी से लिख लिया, ठीक है, चाहे ये यूनिट कर लो चाहे ये यूनिट यूज कर लो, बाद बाकी चीज में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। फिर से एक बार समझ लेते हैं कितना आसान है, अगर मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ध्यान है तो वहां पे हैविंग 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट लेके चल रहे थे, इक्विवेलेंट का 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट लेके चल रहे थे इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पे केवल 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट की प्लेस पे क्या लिख लेंगे 1 मोल, वही चीज चलेगी। कंसिडर करोगे VML सॉल्यूशन, उसके अंदर जो कंटेंट करोगे वो यहाँ पे 1 ml, 1 ml इक्विवेलेंट सबस्टेंट नहीं 1 मोल, यहाँ पे क्या लेके चलोगे 1 मोल सबस्टेंस यूज करोगे डिसॉल्व इन इट, बिकॉज कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml सॉल्यूशन की कप्पा मान लेंगे तो टोटल कंडक्टिविटी VML की, अगर 1 ml की कप्पा है, वॉल्यूम जो लिया है 1 ml, ठीक है, उसकी अगर कप्पा है और सबस्टेंस डिसॉल्व कराया 1 मोल, इस चीज को ध्यान दें। एक बार पहले से आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं दोबारा समझाता हूं इसको। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब इसमें आपको दोनों में बहुत आसानी हो जाएगी, कंपैरिजन करके हम लोगों ने स्टडी किया है। ध्यान रखना इक्विवेलेंट वेट में दोनों में डेफिनेशन सेम है, आपको केवल इतना बोलना है इट इज़ डिफाइंड एज द, अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इक्विवेलेंट के लिए बोल रहा हूँ कि मोलर के लिए बोल रहा हूँ, इट इज़ डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन हैविंग, के बाद ध्यान रखना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर मोलर कंडक्टिविटी है तो 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेके चलना, मतलब 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट के प्लेस पे क्या लिया मोलर में 1 मोल, यहाँ पे लेके चल रहे थे 1 ml इक्विवेलेंट सबस्टेंस, यहाँ पे 1 मोल सबस्टेंस डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, मोलरिटी की बात है तो 1 मोल। अब ध्यान रखना 1 ml की कंडक्टिविटी अगर कप्पा है तो VML की कितनी हुई कप्पा इनटू, अब जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के प्लेस पे क्या आएगा मोलर कंडक्टिविटी, वहाँ पे
इक्विवेलेंट की वजह से हमने नॉर्मलिटी को यूज किया था, यहाँ पे मोलर मोलर कंसंट्रेशन की वजह मोलरिटी को यूज किया। मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को अगर एमएल में करेंगे तो वही लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 का डिवाइड, वो 1000 ऊपर पहुंच जाता है, आपने पढ़ रखा है इस चीज को। अब मैंने क्या किया, वॉल्यूम सॉल्यूशन का अगर हम लोग यहाँ पे लेके जाए मोलरिटी प्लेस पे, तो मोलरिटी अपॉन में आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने देखा, मोलरिटी ये आ गई है। अब हमने यहाँ देखा 1000 का मल्टीप्लाई 1000 आ गया। मोलरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है, इसलिए इसको सी भी लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पे देख कर लिया कि फर्स्ट इक्वेशन को देखा तो लैम्डा एम इक्वल कप्पा इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में क्या है, 1000 अपॉन एम, वहां पे एन आता था, एम आ गया, बस यहां पे ईक्यू चलता था, यहां पे एन चलता था, यहां पे एम चल रहा, तो यहाँ पे एम चल रहा। मोलरिटी और मोलरिटी और मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी में अंतर रखने के लिए यहाँ स्मॉल एम का यूज कर लिया, कैपिटल एम, ये मोलरिटी है, ये मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ये चीज को अगर हमने देखा, मोलरिटी जो होता है कंसंट्रेशन टर्म्स होता है, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वहां पे इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट अपॉन नॉर्मलिटी का क्या आता था, इक्विवेलेंट अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। मोलरिटी का क्या आएगा, मोल अपॉन, अब ध्यान रखना यहाँ मोल अपॉन ये एमएल में, और एमएल को मैं सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो एमएल को मैं सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ, 1000 एमएल में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 एमएल के लिए निकालोगे 1000 से डिवाइड आ जाएगा, तो 1 एमएल इक्वल 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको मोल पर सेंटीमीटर क्यूब कर दिया है, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाके इसको सॉल्व किया, ओम इनवर्स को मैं सीमेंस भी लिख सकता हूँ, तो ये दोनों यूनिट हमारे पास आ गई। आपने देखा कि हम लोगों ने बड़ा ही आसान तरीके से अगर एक पे ध्यान दिया, डेफिनेशन को भी समझ में आया। डेफिनेशन में केवल क्या ध्यान रखना, वहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट सबस्टेंस का लिया जाता है, यहाँ पे 1 मोल सबस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। मैंने कंसीडर किया था वहाँ पे वॉल्यूम बीएमएल, उसमें कंटेन करते थे 1 ग्राम इक्विवेलेंट सबस्टेंस का, यहाँ पे कंटेन करते हैं 1 मोल सबस्टेंस को डिजोल्व कराते हैं वीएमएल सॉल्यूशन में। तो अगर 1 ml के लिए कंडक्टिविटी कप्पा ली गई है, तो वीएमएल के लिए क्या हो जाएगी, दोनों जगह पे एक ही चीज आएगी, कप्पा इंटू वी। पर ध्यान रखना वहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा इक्यू लिखते थे, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम लिखेंगे। इक्विवेलेंट के लिए नॉर्मलिटी का फॉर्मूला यूज करते थे, और मोलर के लिए हम लोग मोलरिटी का यूज करते हैं। बाद बाकी चीजें उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके समझ में आएगी। और मैंने फॉर्मूला कहां से आया, आप जनरली जल्दी नहीं पाते हैं ऐसी सब चीजें, तो फॉर्म कहां से ये चीजें आती हैं वो मैं बारीकी बताने की आपको इस वीडियो में पूरी कोशिश की है। और अगर आपको ये सब चीजें पसंद आ रही तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन। जो बच्चे नए हैं और जो बच्चे पुराने, इतने दिन से वीडियो आपके लिए मेहनत से बनाया जा रहा हूँ, मैं बनाया जा रहा हूँ, तो यार एक ही उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक करने में और कमेंट करने में कतई भी कंजूसी ना करें। अगर आपको लगता है कि सामने वाला बंदा हमारे लिए मेहनत कर रहा है, तो आप इन चीज़ों को करें, जिससे उत्साह मिलता है और लगातार वीडियो बनाने का एक प्रयास जारी रहता है, ठीक है। और स्वस्थ मन से घर पर बस पढ़ते रहिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, थैंक यू।